मैं देखता हूँ पाकिस्तान और इंडिया जो जबरदस्त से एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं ये लोग, और जो है रास्ते में जो वो देखते कि एक ही रास्ता भी यहाँ से दूसरा जो है भारतीय सैनिकों को जाने के लिए और आने के लिए, ऐसे रास्तों में वो क्या जो है बम खोद के रखते हैं, जमीन में गाड़ के रखते हैं, और जैसे ही भारतीय जवान उस पर पांव रखते हैं एकदम धड़ा फूट जाते हैं वो बम, और वो आदमी लोग मर जाते हैं और भारतीय सैनिक मर जाते हैं, और ऐसे बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई है। और शैतान का ये काम है, शैतान आता है वो चोरी घात और नाश करने के लिए, वो नहीं चाहता कि हम खुश रहे, वो हमेशा जो है चोरी घात और नाश करने के लिए आता है, और वो उसका एजेंडा है कि कैसे वो लोगों को मारना चाहता है, कैसे लोगों को नष्ट करना चाहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान ने हर एक के लिए बम रखे हुए हैं, तो आज हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी वचन पढ़ें और स्पष्ट वचन पढ़ें। आज हम बाइबल में लिखा हुआ है यिर्मयाह, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, और यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ रीति से बताता है कि शैतान ने बम कहाँ रखे हैं, और ये बम का जो है यहाँ पे वो इधर उधर कहीं नहीं है। बाइबल में यिर्मयाह उसके 17 अध्याय का 9 वचन लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो ये बम कहां पे है? धोखा, शैतान हमेशा धोखा देता है। हम तो वहां पे पांव रख देते हैं बड़े विश्वास के साथ, लेकिन धाम बम फट जाता है, आदमी मर जाता है। तो शैतान ने जो है ये बम रखे हुए हैं, और हमारे मन में अलग अलग प्रकार के बम है, और ये बम जो है कभी भी फूट सकते हैं। और आज इन बमों के बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम इन बमों को बचा के रखे, इनसे हम बचे रहे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। लोग कहते हैं कि यार मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, कोई लड़की कहती मुझे लड़के ने धोखा दिया, कोई लड़का कहता मुझे लड़की ने धोखा दिया, पत्नी कहती मुझे पति ने धोखा दिया, पति कहता मुझे पत्नी ने धोखा दिया, माता पिता कहते मुझे बच्चों ने धोखा दिया। ये दुनिया धोखे की दुनिया है, धोखा ही धोखा है सारी जगह पे। शैतान का नाम दूसरा नाम धोखा है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम विश्वास योग्य है। उस विश्वास योग्य परमेश्वर, ग्रेट इज thy faithfulness, ग्रेट इज thy faithfulness, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग, ग्रेट mercies I see, all I have needed thy hand hath provided, great is thy faithfulness Lord unto me। प्रभु तेरी विश्वास योग्यता कितनी महान है। हालेलुया। आज सब लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन शैतान का तो स्वभाव ही है कि वो धोखा देता रहता है, धोखा देना ये उसका काम है। उसने हमारे मनों में भी शैतान ने धोखे की आत्मा और धोखे के बम लगा के रखे हैं। बाइबल बताती है कि दिल सबसे ज्यादा धोखेबाज है, और वो धोखेबाज मन को हमें संभालना है। मन में कौन से धोखे होते हैं आज हम देखेंगे, कौन से धोखे हैं, और इस धोखे से कैसे हमें बचना है ताकि ये बम फूट ना जाए और हमें नाश ना करे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है। तो इसलिए एक परिवार, एक जो है बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, उसने अपने जो है फसल बोई अपने इसमें अपने खेत में, और फसल बोने के बाद में जो है प्रभु की दया से फसल तो बहुत ज्यादा आ गई। और क्या कहते हैं वहां पे लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे लूका उसका 12 अध्याय और 16 वचन से लेके मैं पढ़ रहा हूं, तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करके कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा कि मैं यह करूंगा कि अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण तेरे पास बहुत वर्ष
वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो किसान जो है, प्रभु ने जो है ये फैक्ट्री बनाई है, 1 किलो गेहूं बो जमीन की फैक्ट्री में और 100 किलो निकालो, ये कितना बड़ी फैक्ट्री है प्रभु की, आप बोते हो और जो है निकलते हैं, तो जो है कितनी अच्छी जो है फसल प्रभु ने उसको दी। आज लेकिन वो क्या करने लगा, वो अपने मन में कहने लगा कि मैं छोटे छोटे गोदाम तुड़वा कर उसे क्या करूंगा, बड़ा बनाऊंगा। फिर उसने क्या किया, छोटे छोटे गोदाम क्या कर दिए, तोड़ दिए और बड़े बड़े, ऐसे बाबल ने नहीं कहा, ऐसे बाबल ने नहीं कहा, वो तो सिर्फ सोच ही रहा था, बाइबल में लिखा है बनाए नहीं उसने, बड़े ध्यान से सुनो, बढ़ाए नहीं उसने, उसने ना ही तोड़े, उसने सिर्फ सोच ही रहा था। और ये सोचना परमेश्वर को नाराज किया, उसकी ये सोच से ही परमेश्वर नाराज हो गया, और उसी रात जिस रात को उसने सोचा था उसी रात प्रभु वहां पे आ गया और उसने क्या कहा, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये सब अब किसका होगा, जो तुमने बटोरा है ये सब किसका होगा, ये धान यहीं का यहीं रह जाएगा, अरे तुझे कुछ नहीं मिलेगा और तुझे नरक जाएगा तू। बाप रे, तो परमेश्वर के लोगों, वह आशीष उसको मिल गई थी लेकिन वह आशीष उसके लिए मौत का कारण ठहरी। परमेश्वर आपको आशीष देता है, यह फसल भी परमेश्वर ने उसको दी थी लेकिन यह फसल का उसने गलत तरीके से जो है आप लेने की कोशिश करी और तब क्या हुआ, ये आशीष उसके लिए एक श्राप बन गई। आज बहुतों को बहुत सारी आशीषें प्रभु ने दी है लेकिन उन आशीषों को अगर आप गलत तरीके से लेंगे और परमेश्वर यदि नाराज हो जाएगा तो फिर आगे डैश 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 डैश। इसलिए परमेश्वर के आशीष को हम योग्य तरीके से भंडारी हम प्रभु के जग में, प्रभु ने हमें क्या बनाया है, भंडारी। अभी भंडार प्रभु ने आपके हाथ में सौंप दिया है, इस भंडार का आप क्या करने वाले हैं ये प्रभु देख रहा है स्वर्ग से, जैसे उस आदमी को देख रहा था। बहुत सारी फसल हो गई, बहुत सारे जो है पता नहीं, पहले तो सैकड़ों जो है बोरिया वो जो है काटता होगा, अब हजारों की तादाद में आ गई, अब वो क्या करें इसके बारे में वो सोचने लगा और उसने कहा कि मैं तो अब अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, बहुत सालों के लिए और बहुत धन संपत्ति, ये बहुत 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 आयत से कौन देता है, शैतान आता है तो वो क्या करने के लिए, चोरी घात और नाश, लेकिन परमेश्वर मसीह कहता है मैं इसलिए आया था कि तुम बहुतायत से पाओ और बहुतायत। तो जब आपको प्रभु बहुतायत से देता है तो आपको जरूरी है कि आपको उसके लिए सपने गढ़ाना बंद करो, सपने जो है लगाना या सपने पे जाना बंद करो, लेकिन आपने गलत ना सोचो, अच्छी बात सोचो, ऐसा ना हो जाए कि प्रभु बहुतों को कहता है कि आज रात ही तू मर जाएगा। ये अजीब बात है, मन में सोच रहा था इसके मन में, इसको मन को कोई नहीं जानता था लेकिन परमेश्वर सबके मन को जानने वाला है, कोई कहेगा हालेलुया, सबके मन को कौन जानने वाला है, परमेश्वर सबका मन जानता है। और क्या लिखा है यिर्मयाह उसका 17:10 में, कृपया पढ़िए यिर्मयाह 17:10, मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। तुम तो बाहर से देखते हो कितना सुंदर शर्ट, कितना सुंदर पैंट, कितनी सुंदर साड़ी, कितना सुंदर ड्रेस पहना है, लेकिन मैं तो ड्रेस नहीं देखता, मैं तो तुम्हारे मन में क्या बात है वो देखता हूं। परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला है और मन क्या है उसके बारे में देखता है, लेकिन ये मन जो है बुरी युक्ति योजना जब निकलती है तो परमेश्वर इससे नाराज हो गया और परमेश्वर के अलावा किसी को मालूम नहीं थे
लेकिन परमेश्वर को मालूम था और परमेश्वर ने उसको एकदम तुरंत बताया कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। हाँ, आज बहुत सारे लोग अपने सोच में बहुत कुछ सोच सोच कर मजा लेते हैं और अपना कीमती समय बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी सोच रखो कि जिससे परमेश्वर अच्छा लगे। इसलिए प्रभु का दास कहता है, हे प्रभु मेरे मुंह के शब्द और मेरे मन के विचार तुझे ग्रहण योग्य। इस व्यक्ति के मन के विचार परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं थे और इसलिए परमेश्वर ने उसको वहीं पे खत्म कर दिया। आज प्रियो हमें सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। ऐसी सोच जो शैतान की ओर से आती है वो आपके लिए, आपके मन में शैतान ऐसे जो है सोच और ऐसे विचार डाल देता है, वो आपके लिए बम बन जाते हैं। शैतान ने उसके मन में वो डाल दिया और वो बम बन गया। ओ माय गॉड, तो इतनी सारी फसल आई तो उसने क्या करना चाहिए था। अगर आप पढ़ें भजन संहिता 103 का दो वचन, भजन संहिता 3 का 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसने कहना चाहिए था, प्रभु धन्यवाद, इस बार तो इतनी फसल आई, बहुत मजा आया प्रभु, इस फसल का पूरा दशमांश मैं तुझे चढ़ाऊंगा। हालेलुया, टीवी कार्यक्रम के लिए भी दूंगा प्रभु। हालेलुया, मैं प्रभु देना चाहता हूँ प्रभु जी, अगले साल इससे ज्यादा लाना प्रभु जी, मैं और दे दूंगा प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसी सोच उसने रखनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक लालची सोच रखी। हाँ, तो ये लालची सोच प्रभु परमेश्वर को अच्छा नहीं लगती। हालेलुया, वो बाइबल में जो है लिखा कि उसने उसको मार दिया। बाप रे, परमेश्वर में सबसे बड़ी ताकत है, वो लाखों लोगों को रोज मार देता है, लाखों लोगों को बीमार भी कर देता है और लाखों लोगों को जिंदा भी कर देता है और नई जिंदगी भी देता है। प्रभु का काम तो बहुत ही अलग है हमारे लेकिन वो हमारे विषय में धीरज धरता है। चाहे वो हमको, प्रभु का धन्यवाद है उसने हमें तुरंत नहीं मारा, हम तो उसके हाथ में हैं। इसलिए अपने दिल को संभालो, अपने विचारों को ठीक करो। शायद हमारा मन हमको धोखा दे रहा है, शायद हमारा मन चिंता करने के लिए कह रहा है कि कल के बारे में सोचो, लेकिन कल के बारे में नहीं सोचना है। हमारा मन हमें धोखा दे सकता है और इसलिए हो सकता है कि हमें कल का दिन दिखाई ना दे। कल यहां में से कोई व्यक्ति ना हो ऐसा भी हो सकता है। तुरई फूकी जाएगी, अरे अच्छा शुभ शुभ बोलो, तुरई फूकी जाएगी और सब लोग स्वर्ग में भाई जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, ऐसा भी हो सकता है, क्यों जाने। तो इसलिए कल की चिंता प्रभु ने करने के लिए मना किया है और आज भी कितने सारे लोग परेशान हैं। हालेलुया, लेकिन आपको और मुझको हमारे जीवन में, हमारे मन में, अपनी जिंदगी के लिए और तंदुरुस्ती के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कोई कहेगा हालेलुया। हाँ, ऐसा अगर आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका दिल आपको धोखा दे रहा है। आपका दिल, अगर आपका, हम सिर्फ गाना गाते हैं, दिल से तेरी आराधना करो, दिल से बस, मुंह से कहां से आते हैं वो शब्द, सिर्फ यहीं से आते, दिल से मन से तो आते नहीं है, हृदय से तो आते नहीं है। मन से उसकी आराधना करें, मन से उसका धन्यवाद करें। हमें, आपको कोई पास्टर प्रदीप को धन्यवाद देने के लिए थोड़े ना कह रहा है, आपको तो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया, प्रभु को मन से धन्यवाद दो आप। और ये आदत लगाओ, ये आदत लगाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्ट लोग अपनी आधी आयु तक भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि वो धन्यवाद देते नहीं और उनके जीवन में कभी कुशल मंगल नहीं होगा, उनके जीवन में हमेशा दुष्टता बनी रहेगी। जो बोएंगे वही वो काटेंगे। प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया, ये मन सचमुच धोखेबाज है, इसकी आवाज मत सुनो। चारों तरफ मरने वालों को देखो, कभी हॉस्पिटल में जाके देखो कैसे लोग तड़प रहे हैं। मैं चर्च के लोगों के पास जब जाता हूँ बीमार लोगों को, कहते पास्टर हमारे तो कुछ है नहीं, दर्द देखो उनके पास, ये देखो उनके पास, ये देखो उनके पास, अरे तड़प रहे, रात भर सो ही नहीं सकते, वो लोग बहुत तड़पते हैं, बहुत कराहते हैं। बाप रे, हमें तो प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि अच्छी जिंदगी प्रभु ने हमको दी। अगर हम ऐसे नहीं कर रहे तो हमारा दिल हमें धोखा दे रहा है। सावधान हो जाओ, अपने विचारों को बदलो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर नाराज हो जाए, हमारे विचारों से प्रभु नाराज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हम ना तो फिर जमीन पे रहेंगे ना आसमान में रहेंगे, हम तो नरक में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को, परमेश्वर का डर हमारे अंदर आना चाहिए, किसी मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का डर हमारे अंदर रहना चाहिए।
हाँ ये बहुत जरूरी है। हमारा परिवार जो है जब होता है तो इस सारे संसार की बातों पे हम लगे रहते हैं। प्रभु जी कहता है कि संसार की बातों पे मन ना लगाओ, हाँ प्रभु की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया, परमेश्वर जानता है कि हमारे मन में क्या होता है, शैतान भी जानता है। हाँ लेकिन क्या पता है, बहुत उनके मन में बहुत कड़वाहट है, बहुत गुस्सा है, बहुत विरोध है, किसी को क्षमा ना करने वाली भावना है उनको। उनके मन में बाइबल में लिखा है कौन सा रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है, मतलब जिसको कभी ठीक नहीं कर सकते। और हम किसमें लगे हैं, हमारा शरीर अच्छा हो, हमारा शरीर अच्छा हो, हमारा शरीर अच्छा हो, हमारा शरीर अच्छा हो, हम शरीर के बीमारी में लगे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारे मन की बीमारी सबसे बड़ी जो है, बड़ी बीमारी असाध्य रोग है, और इस असाध्य रोग को आपको ठीक करना है। तो अभी असाध्य रोग को ठीक करना है, तो इसलिए क्या करना है, आज जो है हम अपने सारे पापों से माफी दे देंगे, सबको माफ करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे सहायता कर। क्योंकि अगर आपका कौन कौन अपना मन साफ करना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, मैं भी, हम सब अपने मन को साफ करना चाहते हैं। और मत्ती उसके 5:8 में क्या लिखा है, पढ़िए। जी धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर कहाँ है, स्वर्ग में, वो परमेश्वर स्वर्ग में हम उसको देखेंगे। और श्रापित है वो लोग कि जिनके मन गंदे हैं, क्योंकि वे नरक में शैतान को देखेंगे। तो इसलिए आज हमें उस शैतान को नहीं देखना है, उसके भयानक रूप को, कितने सिंह है उसको वो नहीं देखना है, कैसा वो है हाँ करके हंसता है वो नहीं देखना है, कैसे वो आग की अग्नि जलती है वो नहीं देखना है। तो एक सिंपल शॉर्टकट है, अपने मन को शुद्ध कर लो। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें अपने सारे पापों से शुद्ध करता है। अब जो है ये शैतान ने हमारे मन में कौन से बम रखे हुए हैं, बड़े एटम बॉम्ब है यहाँ। अरे एटम बॉम्ब जो है आलोले जब वो उड़ेंगे ना तो ऐसा भस्म कर देंगे, बाप रे। तो आज हम पढ़ेंगे हालेलुया फिलिप्पियों 1:21, जल्दी जल्दी पढ़िए फिलिप्पियों 1:21, फिलिप्पियों 3:8। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है, सही बात है। मतलब जो है जिसका जीवन अगर सच में ऐसा होगा ना तो वो कभी भी दुनियादारी की बातों की चिंता और लालच नहीं करेगा। और इसलिए पौलुस का जीवन ऐसा था, उसने ये जिंदगी ऐसी जी कि उसने अपना सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ सेवकाई के लिए लगा दिया। वो खुद ही प्रचार करने लगा, वो खुद ही तंबू बीन के सेवकाई करता था और वो पैसे के द्वारा जो है प्रचार करता था। पता नहीं कितनी क्रूसेड उसने करी, कितने चर्चेज उसने बनाए। वो कहता चिंता कलीसिया की चिंता मुझे दबाती है, ये उसका मन था। लेकिन उस दुनिया के अच्छी अच्छी चीजों का उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा मुझे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में मैं बढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए इस वचन को फिलिप्पियों 3:8। वरना मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के लिए मैं सारी बातें हानि समझता हूँ। आगे जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। ओ माय गॉड, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ उन्हें मैं कूड़ा समझता हूँ। मतलब जो है वो 50,000 का आईफोन को कूड़ा समझता है, बताओ। वो 50 इंची का इतना बड़ा रखा हुआ घर में लाके कहते कूड़ा समझता हूँ, ये कोई तरीका हो, कोई बात होगी, ऐसा तो है नहीं सकता। लेकिन पौलुस का जीवन ऐसा था, उसने फोन से प्यार नहीं किया, ना उसने टीवी से प्यार किया। अगर वो आज के जमाने में भी होता, अगर फोन रखना होता तो वो डब्बा फोन रखता था और जो है वो अपने सेवका ही चला लेता। उसको इस दुनिया से कोई माया मोह लालच नहीं था। आजकल जो है बेचारे माता पिता इतने परेशान है, 25,000 का फोन चाहिए, 30,000 का फोन चाहिए, इतना फोन चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ये चाहिए, अभी अभी निकला हुआ है, कभी कभी निकला हुआ है। अरे वो जब निकलता है फोन तो परेशानी माँ बाप को पड़ती है, वो तो फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए
आज आज ये वचन है आपके लिए कि आप इन चीजों को कूड़ा समझिए। कोई आगे इस कहने के लिए तैयारी नहीं, कोई प्रेज लॉर्ड करने के लिए तैयारी नहीं। वो कहता है कि मैं इन सारी चीजों को कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप आपको भी आपको आपका मन और लालच सारा चीजें हटा दो अपने मन से। मुझे मुझे नहीं चाहिए कुछ, जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मम्मी तुझे नहीं चाहिए तो मुझे तो चाहिए। ये हालत आजकल संसार की हो गई है। लोगों का प्यार फोन से बढ़ रहा है, मम्मी पापा से नहीं, भाई बहन से नहीं, पति पत्नी से नहीं। पति पत्नी एक साथ सोते हैं, दोनों भी जो है अपने लगे हुए हैं, कोई बात नहीं करते। आजकल ये फेलोशिप हो गई है। प्रभु ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसको एक आईफोन दूं। ऐसे तो नहीं होगा, इसलिए मैं उसको एक जो है जीवन साथी दूं। तो आपका जीवन साथी आईफोन या फोन नहीं है, आपका जीवन साथी आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए उस लालच को हम निकालें, आइए उस फोन को हम अंदर से निकालें, फेंक दे, कूड़ा कचरा समझ के फेंक दे, फेंक दे। हालेलुया, यस। और आप प्रभु की ओर अपना मन लगाए, मन ना लगाए। यहां जा रहा है हमको कौन सा आईफोन लेके जाएंगे हम वहां पर। इसलिए संसार की लालच को हम छोड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड, यस। हमको जब हम मर जाएंगे तो जो है हमारे आईफोन का क्या होगा, ये भी प्रश्न। और जब हम मर जाएंगे तो हमें 6 फुट के गड्ढे में ऐसे फेंक देंगे। हमारे घर के लोग भी कहेंगे बस बस निकाल दो, निकाल दो, बस हो गया। वो फिर बदबू आती है ना, बॉडी को निकाल दो, बॉडी को, बॉडी को निकाल, आपका नाम भी नहीं लेंगे। बॉडी को निकाल दो, 6 फुट वो 6 फुट के गड्ढे में डाल दो, या तो शमशान घाट में, जैसे करना जल्दी कर दो। आप जो जिनके लिए इतना सब कुछ करा है, ये हमारे साथ होने वाला है। तो हमारा जीवन जब सब खत्म होने वाला है तो इन सारी चीजों से क्यों प्यार करना है। और अनंत काल के जब स्वर्ग में रहना है तो हम पूरी रीति से प्रभु के पीछे रहे। हालेलुया। क्या लिखा है कि मेरा मन प्रभु, मेरा मन जो है लोभ की। आजकल लोगों के मन में फोन का क्या है, लोभ। टीवी का क्या है, आके देखने के लिए बोलो बोलो। हमारे लोगों के मनों में लोभ है, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु का दास कहता है कि प्रभु मेरे मन को लोभ की ओर ना लगा। प्रभु हाँ, पढ़िए उस वचन को, भजन भजन संहिता 119 का 36 119 और वर्स 36 क्या लिखा है, जोर से पढ़िए, किसको मिलता है। हे प्रभु मेरा मन लोभ की ओर नहीं, लेकिन अपनी चितोनियों की ओर ही फेर दे। चितोनियों मतलब क्या, वार्निंग्स। वार्निंग क्या है प्रभु की, 440 होल्ड, डू नॉट टच, नो प्रॉब्लम, आई विल टच। टच करेंगे तो अभी वहीं पे राख बन जाएंगे। वार्निंग, ये तो मनुष्य की वार्निंग है, परमेश्वर की वार्निंग तो बहुत बड़ी बड़ी वार्निंग्स है जो बाइबल में लिखी है। और हम उनके पास चिंता नहीं करते, हम तो अपने फोन में लगे रहते हैं। प्रभु मुझे लोभ की ओर नहीं, लेकिन तेरी चितौनी की ओर मेरा मन फिरने दे। मेरा फिरने दे प्रभु, तेरा मन, मेरा मन तेरी चितौनी की ओर फिरने दे। तूने कौन सी बातें बताई है। यहेजकेल उसका 33 अध्याय का 31 वचन, बहुत सारे लोग बड़े प्रेम से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और कहते हैं कि हाँ ठीक है करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे कुछ लोग थे। पढ़िए उस वचन को, वे प्रजा के समान तेरे पास आते, वे लोग प्रजा के समान, प्रजा के समान मतलब प्रभु की प्रजा नहीं है, प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं। वाओ, तेरा वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। ओ माय गॉड, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, माय गॉड, उनका मन लालच ही में लगा है। आज बहुत सारे लोग लालच के जो है एटम बॉम्ब से जो है परेशान है, और एक बार जो फूटेगा नहीं है, ओ माय गॉड, माय गॉड, तो जो है वो कोई नहीं बचेगा। एटम बॉम्ब जब फूट जाता है तो आसपास का कोई बचता नहीं, फिर
फिर जो टुकड़े टुकड़े नहीं मिलते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसलिए मेरे आज प्रभु हमको चेतावनी दे रहा है कि ये लालच का जो एटम बॉम्ब है आपके मन में शैतान ने रख दिया है। आज आपको और मुझको प्रार्थना करनी है कि ये एटम बॉम्ब फूटने ना पाए, इसका असर मेरे ऊपर होने ना पाए। ये लोग मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं लेकिन मन में सांसारिक चीजें पाने का लालच रहता है। आज हमारे मन में स्वर्ग को पाने का लालच होना चाहिए, स्वर्गीय बातों के लिए ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर के संसार के लालच दूर कर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है अरे तुम पहले मेरे धर्म का राज की खोज करो तो ये सारी चीजें अपने आप धड़ में दे दूंगा। मैं अपने आप दूंगा तुम्हें, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मांगने से पहले मैं तुम जानता हूं कि तुम्हारी क्या जरूरत है और मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आमेन। यस, पहला बम जो हमने देखा भैया, ये जबरदस्त जो है लालच का बम। फिर दूसरा बम हम देखेंगे और ये बम जो है बड़ा खतरनाक बम है, इसने बहुतों को जो है नाश किया है और आज वो सबका नाश कर रहा है। शैतान का बम मन में बोया हुआ है और मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। अपने मन की मत सुनना, ठीक है, प्रभु के वचन को सुनना। मेरा मन कह रहा था कि आज मैं वो करूं, मेरा मन कह रहा था मैं मन का राजा हूं, जो चाहता हूं वो करता हूं, है ना। लेकिन जो है भजन संहिता 101 का 5 पढ़िए, भजन संहिता 101 का 5, नीति वचन 18 का 12, यहेजकेल का 28 का 17। भजन संहिता फिर से बोल रहा हूँ, हाँ पढ़ी पढ़ी। छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। ओह माय गॉड। जिसकी आंखें चढ़ी हो, और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। उसकी प्रभु कहते हैं मैं, चाहे वो मेरा बच्चा भी हो, मैं उसकी ना सहूंगा। सहेगा ही नहीं परमेश्वर। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसके मन में घमंड, ये घमंड का पाप हमने पिछले दिनों में भी देखा था। ये घमंड जो है शैतान लाता है, ये आत्मा है शैतान की, ये बम है शैतान का जो हमारे मनों में वो रोपता है। मैंने बताया ना, घमंड करने के लिए कोई चीज भी नहीं फिर भी घमंड करते हैं और बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये शैतान की ओर से दिया हुआ घमंड है। बाइबल में नीति वचन 18 का 12 और यहेजकेल 28 का 17 पढ़ेंगे। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अगर आप महिमा पाना चाहते हो, आपको अपने ऑफिस में सबसे बड़ा टॉप ऑफिसर बनना चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, आपके जीवन में आप सफलता पाना चाहते हो, तो प्रभु ने रहस्य बताया है, जीवन जीने की कला बताई है कि जो है क्या नम्र बने। महिमा पाने से पहले नम्रता आती है बंदे में, और नाश होने से पहले घमंड है। वो क्या सोचते हैं अपने आप को, है ऐसा दिखा दूंगा मैं, वो पता नहीं मैं कौन हूं। चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन, चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन, बस इसकी प्रभु कहता है कि मैं कभी सहूंगा नहीं। तो ये परमेश्वर के लोग ये सबके लिए वचन है। आपका घमंड प्रभु सहन नहीं करेगा, मेरा घमंड प्रभु सहन नहीं करेगा। अरे झुक जाओ ना, प्रेज द लॉर्ड बोलो, झुक जाओ। आपके साथ उन्होंने चाहे कुछ भी कर दिया हो, प्रेज द लॉर्ड, आप बोल देना उनको, चाहे आपके वो माफी ना दे, हमने ब्रदर उस दिन का जो कुछ हो गया था ना उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी ब्रदर, है आप बुरा मत मान, तुम्हारी गलती थी। हाँ ब्रदर, वैसे तो देखा जाए तो गलती नहीं, लेकिन ठीक है ब्रदर, मेरी गलती में मान लेता हूँ प्रभु, ब्रदर सॉरी है, सॉरी इसके लिए। इसका मतलब ये महिमा पाने वाला है। हालेलुया, ये महिमा पाने वाला है बंदा। हालेलुया, मैंने बोला मैं तुमको, तुम क्या समझते अपने आप को, है चढ़ी हुई आंखें घमंडी मन। नाश होने से पहले घमंडी मन आता है और चढ़ी हुई आंखें, क्या समझती है अपने आप को, ये क्या समझते अपने आप को। अरे भैया तुम क्या समझते अपने आप, जो है नाश होने वाला है तुम्हारा और इसलिए ये घमंड दे रहा है प्रभु शैतान। प्रभु तो कभी घमंड नहीं देता, जो है शैतान को भी घमंड आया था, ऐसा पटका दिया गया, सारे स्वर्गदूतों से उनसे अलग हो गए। और तब से जो है वो शैतान जो घमंडी हो गया था, उसने कहा मैं अपना सिंहासन न बढ़ाऊंगा, पटक दिया गया नीचे। तो इसलिए आप अगर घमंडी बनेंगे
तो आपका सिंहासन जो है रहेगा नहीं और नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर बनेंगे तो परमेश्वर आपकी स्थिति और आपको प्रमोशन, आपका प्रमोशन भी ना आया हो ना आपका प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ से पढ़ना वचन को। महिमा पाने से नम्र पाने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह नम्रता। और इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उसको परमेश्वर की दाहिने ओर बिठा दिया और आज वो राज कर रहा है। नम्रता जब आती है तो महिमा होगी। तो आज अगला बम जो शैतान ने आपके मन में रोक के रखा है वो घमंड है। घमंड नहीं करना, अपने ऑफिस के साथ जितने सारे लोग रहते घमंड नहीं करना, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ घमंडी मन रखना नहीं, कभी घमंड, एकदम जो है कैसे एकदम दास का स्वरूप धारण करना। हालेलुया, प्रभु यीशु ने दास का स्वरूप धारण किया। प्रेज द लॉर्ड, कितनी अच्छी बात। आज प्रभु परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहता है, घमंडी मन हटाए। आपने पढ़ा एस्केल उसका 28:17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। बार बार जो है शीशे में देख रही थी, बार बार जो है देख रही थी, यहाँ लिपस्टिक लगा, यहाँ पे निकालो, वो निकालो, यहाँ पे बाल काटो, तो मैं तो काट नहीं सकता, तो खत्म हो गया। तो हाँ पढ़िए, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। हाँ, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे ऐसा भूमि पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। हाँ, बेइज्जती कर रहा है प्रभु ने उसकी। बाप रे, अपने प्रभु ने सुंदरता किसने दी थी उसको? प्रभु ने दी थी। वैभव किसने दिया था? प्रभु ने। जो लूसीफर जो ये था प्रभु का स्वर्ग, जब अपने पंख हिलाता था तो एकदम उसमें से सुंदर आवाज निकलती थी, ऐसा जबरदस्त बनाया था। लेकिन सुंदरता का रंग तूने जय कर दिया, तेरा मन भ्रष्ट होकर घमंडी बन गया। आज प्रियो हमारे लिए तो बस यही शिक्षा है, हमारे मन में ना तो दौलत धन या दौलत का घमंड होना चाहिए, ना ताकत का घमंड होना चाहिए, ना ज्ञान का घमंड होना चाहिए, ना किसी मनुष्य का घमंड होना चाहिए। हम मिट्टी से निकले हैं, मिट्टी से जा मिलेंगे, हम नम्र बनेंगे। आज के वचन के बाद हम नम्र बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रकार का जबरदस्त एटम बॉम्ब शैतान ने हमारे मन में रखा है, असाध्य रोग लगा है। फिर अगला एटम बॉम्ब देखेंगे, मत्ती उसका 5:28। नीति वचन 6:25, 5:28। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। ओके, 28 वचन पढ़िए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। दोनों भी वचन वैसे वैसे दिखे, हालांकि वो वचन बल तो प्रभु कहते हैं कि वो आग निकाल के फेंक दे। और लिखा है कि यदि तू किसी स्त्री पर जो है बुरी नजर डाल देता है तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। माय गॉड, मतलब जो है शरीर से नहीं मन से तूने अगर कर दिया तो वो व्यभिचार हो गया। सुलेमान भी जो है उसने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी, लेकिन अपनी शिक्षा में वो बहुत बार गिर गया। नीति वचन 6:25 पढ़िए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। उसकी सुंदरता देखकर उसको उसकी मन में अभिलाषा ना कर, वो तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। तो प्रभु ये दूसरा जो है एटम बॉम्ब है, तीसरा व्यभिचारी मन, व्यभिचार डालता है। अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ खुश नहीं रहते हैं, दूसरों के साथ जो है चक्कर चलाने के लिए शैतान कहता है। अनैतिक शादी के बाहर जो संबंध होता है, और शैतान जो है क्या करता है, मन में विचार देता है। और बाइबल में इसलिए लिखा है कि हमारे मन में विचार आ गए तो प्रभु नजर नाराज होता है। जैसे उसने कहा कि मैं बड़ी बकालियां बनाऊंगा, ये करूंगा, प्रभु नाराज हो गया। अगर किसी रात तो आज हमारे मन में बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में व्यभिचार के विचार आते हैं,
हो सकता है आप व्यभिचार ना करते हो, लेकिन व्यभिचार का विचार आना मतलब आप व्यभिचार के समान है। और इसको अपने मन में प्रभु से कहना, प्रभु नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग रखते हैं, वो बाइबल में कहा लिखा है गर्लफ्रेंड ना रखे, बॉयफ्रेंड ना रखे। तो मैं पूछता हूं कि अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हारे पास कितने पवित्र विचार है, जरा बता दो। इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करो, काम लगो, और फटाफट जो आप चाहते हैं वो सबके इच्छा के अनुसार शादी कर डालो। ये इसके लिए आपका जिंदगी नहीं है, वे विचार की आत्मा आपके ऊपर आ जाए। और वे विचार की आत्मा कैसे लोगों के ऊपर आई और कैसे सत्यानाश लोगों का जीवन का हुआ आपको पता ही है। कैसे कैसे कठिन स्थिति सुलेमान जो है जीवन में आए, सुलेमान ने जो है जब उन औरतों ने उसका मन बहका दिया, ऐसे बाइबल में लिखा, तो मन बहका जाएगा। जो है सुलेमान का भी मन बहका जा सकता है, महिलाओं का मन भी बहका जा सकता है, लेकिन अगर हम पवित्र रहेंगे तो हमारा मन बहकेगा नहीं। हम अपने पति के साथ विश्वास योग्य रहे, हम अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहे, जिनकी शादी उनकी शादी तक इंतजार करें और प्रभु की योजना को पहला स्थान दे। Praise the Lord. Yes, आप जो है ज्यादा चक्कर मत चलाओ, ज्यादा देर फोन पे बात मत करो। मुझे बताएं ऐसे बहुत सारे लोग जो है, ऐसे परिवार में भी मैं गया हूँ, वो शादी के पहले वो लड़का इधर से ग्लास इधर नहीं रखता था, शादी के बाद में जो है वो सास कहने लगी, भैया अब जो है मैं तो इसके लिए अकेली सेवा करती थी, अब शादी के बाद उसकी भी सेवा करने लगी हूँ, सुबह सुबह उठ जाती हूँ मेरी बहू की सेवा करती रही। क्या मेरे जीवन में पता नहीं, मुझे लगा था कि मैं शादी के बाद में बहू मेरी सेवा करेगी, अब तो उसको देख के मुझे डर लगता है। यह हाल है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पूछ के शादी नहीं करी और परमेश्वर की प्रार्थना नहीं। और इसलिए तो अच्छा कि शादी ना करे भैया, नहीं तो अपना जीवन नारकीय बना डालो और सत्यानाश करवा डालो। तो इसलिए व्यभिचार की आत्मा अपने मन में मत आने दीजिए। तेरा पति तेरा कर्ता यहोवा है, हालेलुया। लेकिन हम शादी के विरोध में नहीं, शादी करिए जरूर, अच्छी बात है। तो व्यभिचारी मन ये एक बड़ा एटम बॉम्ब है, ये बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है शैतान का। ये शैतान का आखिरी हथियार है जो पवित्र लोगों के लिए वो इस्तेमाल करता है। फिर अगला जो है मन, बहुत सारे लोग जो है प्रभु की सेवकाई करते हैं, आज जाएगी नहीं चर्च में, पता नहीं आज दुकान खोलू क्या, या चर्च में जाऊं, आज ऑफिस में जाऊं कि चर्च में जाऊं, आज मैं घर में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जब शायद दो चार लॉट निकाल लूं, सोच रही थी चर्च में ना जाके। तो ये सब चीजें क्या बताए कि प्रभु के साथ एक मन होकर सेवा ना करने की आत्मा। होशे की किताब 10 अध्याय का 2 वचन, हमारा मन प्रभु की सेवा के लिए संपूर्ण कहां परमेश्वर की सेवकाई के लिए मन नहीं है, फिर कैसा है? उनका मन बटा हुआ है। अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा, वो उनकी वेदियों को भी तोड़ डालेगा, और उनकी लाठों को टुकड़े टुकड़े करेगा, उनके लाठों को टुकड़ा टुकड़ा करेगा। ये इजराइली लोग उनके मन बटे हुए थे, कभी यहोवा का भी नाम लेते थे, कभी इधर भी चलते थे, कभी इधर भी, इसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, इनको भी खुश करो, उनको भी खुश करो, पत्नी को भी खुश करो, बाहर की औरत को भी खुश करो, पति को भी खुश करो, बाहर के आदमी खुश करो, उनका मन बना है। परमेश्वर को भी खुश करो, उधर भी जाके कुछ करो, गड़बड़ करो। प्रभु कहता है कि उनका मन बटा हुआ है, थोड़ी देर प्रभु की सोचते हैं, फिर बाद में संसार की बातें सोचने लगते हैं। संसार हमें कुछ देने वाला नहीं भैया, हालेलुया, संसार हमें कुछ देने वाला नहीं, देगा तो हमारा परमेश्वर ही देगा, हालेलुया। यस, इस संसार को छोड़ जाएंगे और हम परमेश्वर की ओर अपना पूरा मन लगा के रखेंगे और तब प्रभु हमको आशीष दे। यिर्मयाह 29:13 पढ़िए, यिर्मयाह 29:13 क्या लिखा है वहां पर? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन बटा हुआ नहीं है। आगे, ताकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिनका मन बटा हुआ नहीं है, जो संपूर्ण मन से प्रभु की खोज करते हैं, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। फिर अगला बम, ये बटा हुआ मन का जो है बम शैतान करता है,
कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। फिर आजकल क्या पता है कि शैतान ने एक फंडा दिया है, अगला बम, वो अपने पति और पत्नी के लिए तो हमेशा चिढ़ते रहते हैं, प्रेम तो कोई है नहीं, सब्जी बना ले, रोटी बना ले, हाँ पता नहीं कितना पति पति को, अरे तुम सब्जी नहीं लाए, वो जाके सब्जी ले आओ, उनके मन में प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर वो तो जो है एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, और इसलिए उनका मन चिढ़ता रहता है, अपने पति को प्रेम ना रखे। हमारा परिवार अगर इसमें प्रेम ना रहे ना, तो एक चीज चलती फिरती लाशें बन जाती है हमारा घर, और फिर पति पत्नी के विरुद्ध चढ़ना शुरू करते हैं, बच्चों के विरुद्ध चढ़ना शुरू करते हैं, फिर आखिरी में सबसे आखिरी स्टैंड, आखिरी स्टेप शैतान जो देता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में भी चढ़ना शुरू कर देते हैं। नीति वचन उसका 19 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। मूर्ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। कैसा होता है उसका जीवन का मार्ग टेढ़ा? कौन कौन चाहता है उनका जीवन का मार्ग टेढ़ा हो जाए? कोई नहीं चाहता। मूर्ता के कारण मनुष्य के जीवन का मार्ग टेढ़ा हो जाता है, और जब टेढ़ा जब हो जाता है तो वो कहते हैं तेरे कारण हुआ ये, तेरे कारण हुआ ये, तेरे कारण हुआ ये, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। पढ़े आगे। और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। हाँ, वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। आज बहुत सारे लोग यहोवा से चिढ़ते हैं, ये खुदा ने ऐसा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों? ये गलत बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम कभी भी परमेश्वर यहोवा से चिढ़ने वाला मन, ये शैतान का एटम बॉम्ब है अगला। फिर भजन संहिता उसका 14 अध्याय का 1 वचन। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख क्या कहता है अपने मन में? क्योंकि उसके मन में जो असाध्य रोग लगा हुआ है। आज आप परमेश्वर है ये विश्वास करते हैं, इसलिए आप चर्च में आए, लेकिन मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप परमेश्वर का भय मानते हैं, इसलिए आप प्रभु के भवन में आए हो, इसलिए जो है ये शैतान अविश्वासी मन, ये परमेश्वर को ना मानने वाला मन है ये। फिर अगला मन जो है, अगला एटम बॉम्ब, वचन संहिता 81 का 12। बहुत सारे लोग जो है जिद करते हैं, जिद का मन, मुझे यही फोन चाहिए, मुझे ऐसे टीवी चाहिए, मुझे ऐसे जूते चाहिए, मैं यही लेके रहूंगा। पढ़िए। इसलिए मैंने उसके मन से हट पर छोड़ दिया है। मैंने उसके मन के हट पर छोड़ दिया है कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। वो अपनी ही युक्ति के अनुसार, आपको प्रभु की युक्ति के अनुसार चलना है कि अपनी युक्ति पर चलना है? लेकिन आप तो बहुत सारे लोग जो अपने आप इच्छा करते हैं वही करते हैं, प्रभु को कुछ कोई करता नहीं, अपने इच्छे से चलना चाहते हैं कि परमेश्वर की? तो फिर जिद ना करें, प्रभु जो कहता है वो करें। जिद की आत्मा, जिद जो है मन में रखते हैं, हृदय के पाप करते हैं। अरे देख लेंगे कौन क्या करता है, वो पास्टर को देख लेंगे क्या करेगा, वो है हमारे तेज है, बड़े हृदय से पाप करते हैं। भजन संहिता 19 का 13। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है, तू अपने दास को ढिटाई के पापों से भी बचाए रख। तू अपने दास को ढिटाई के पापों से भी बचाए रख। मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। ढिटाई के पाप मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा, बड़े पाप से बचा रहूंगा। वाह, तो हमारा मन जो है वो ये सारे जिद नहीं होना चाहिए, अविश्वासी नहीं होना चाहिए, यहोवा से चिढ़ने वाला नहीं होना चाहिए, बटा हुआ नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, ये हमारा मन ऐसा होना चाहिए। ओके, कहा हालेलुया। आज ये बम को निकालेंगे हम, फ्यूज कर देंगे बम को। बहुत सारे बम जब फट जाते हैं तो क्या करते हैं उसका, जब जो है फटने के पहले उसको फ्यूज कर देते कि वो फटने ना पाए। आज ये सब शैतान ने रखे हुए हमारे मनों में, अब ये आपके हाथ में है कि आप उन बम के साथ क्या करें। व्यभिचारी बनना तो व्यभिचारी बने रहो, और जिद्दी बनना तो जिद्दी बने रहो, और जो गलत काम कर लालची तो लालची बने रहो,
वचन तो सुनते हैं, हाँ भी करते हैं, और उनके मन में घमंड है। बड़े प्रेम से बातें करते हैं, मन में घमंड है, ये प्रभु का वचन बताता है। लेकिन हमारा मन जो है ना, शांत मन होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन कैसा होना चाहिए? शांत मन होना चाहिए। पढ़िए उस वचन को, नीति वचन 14:30 और भजन संहिता 131 का 2। शांत मन तन का जीवन है, वाओ, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। शांत मन तन का जीवन है। तन मतलब क्या? शरीर। वाओ, आज बहुत सारे लोगों की बीमारियां इसीलिए है क्योंकि वह जलते रहते हैं। इसकी जूते तो बड़े अच्छे लाए हैं, साड़ी तो अच्छी बनी इसने, कहां से लाई साड़ी? उनके पास सुनो, उनके पास ओटीवी आ गया, उनके पास ये आईफोन ले लिया उसने, तुम ये टप्पा इस्तेमाल कर रहे हो, जाओ कहीं डाका मारो, कर लो पाप। अरे प्रभु ने नहीं दिया तो डब्बा इस्तेमाल कर रहा हूं भैया, प्रभु जब देगा तो देगा। तुम क्या है ये कहीं इस्तेमाल कर रहे हो, बताया कितने बड़े हो तुम। तो इस प्रकार का जो है मन में बेचारे अशांत, लालच जो है अशांति लाती है। और फिर बाद में इसने लाया यार, इसने गाड़ी ली यार, इसने स्कूटर लिया, इसने मोटरसाइकिल लिया, अरे मैं क्या करूं यार, अरे मैं क्या करूं, अरे क्या कर रहा है तू, शांत बैठा रहे क्यों चलता है? धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु ने तुझको दिया है, जो कुछ दिया है तू बस तो आज आ रहा पा रहा है, तेरा पांव टूटा नहीं है, तेरे हाथ टूटे नहीं, प्रभु का धन्यवाद कर। शांत मन तन का, यस, बहुत सारे लोगों के बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे जो है बीमारियां, डॉक्टर्स बोलते हैं, बात मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर्स बोल रहे कि अगर मन शांत रखेंगे ना तो कोई बीपी नहीं होगी, एकदम नॉर्मल रहेगी। तो आज शांत मन रखना बहुत जरूरी है। अरे शांत मन जो है हमारे, आपको ये कहना है, अगर शांत नहीं हो रहा होगा ना तो एकदम शमशान घाट में जाओ या तो कब्रस्तान में जाओ, अरे वहां पे देखिए यहां पे तो जाने वाले, यहां पे तुझे डांट देने वाले, हाँ यहां पे तुझे गाड़ देने वाले, ये शरीर यहां पे खड़ा जा रहा है भैया, फिर तो मुझे आईफोन मिले या ना मिले मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा। बीच बीच में कब्रस्तान जाया करो, कोई कब्रस्तान जाके देखना, बैठना वहां पे, हालेलुया बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड करना, अरे अरे क्या बात है, शुभ शुभ बोलो, नहीं नहीं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये बहुत शुभ है बात बोल रहा हूँ, कि कब्रस्तान जाके बैठो, शमशान घाट जाके बैठो, अपनी मौत के बारे में सोचो, क्योंकि खाली आया खाली है जाना, जो है वो 6 फुट गड्ढे में फेंकने वाले, और इसलिए हमें किसी के ऊपर जलने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य प्रभु का नाम, हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए उस वचन को, भजन संहिता 131 का 2। मैंने अपने मन को शांत, मतलब शांत और चुप करना ये हमारे हाथ में है। सोचो ही मत, उनकी इतनी सुंदर गाड़ी के बारे, इतनी अच्छी मोटरसाइकिल के बारे में सोचो ही मत, और अगर नींद अगर सोच आती है तो प्रभु धन्यवाद इसके लिए, तूने इनको दे दी प्रभु, क्योंकि तूने दी। बाइबल में लिखा हर एक उत्तम वरदान और हर एक उत्तम आशीष कहां से आती है? ऊपर से आती है, बोलिए ऊपर से आती है, ये शैतान से नहीं आती, इधर उधर मत देखना किसी अपने बॉस के पास या अपने भाई बहन के पास माता पिता के पास, कहीं से नहीं आती। अगर आपको पढ़ना है उस वचन को तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर वचन है वो, और मैं चाहता हूँ कि उस वचन को आप ध्यान से सुने, क्योंकि सारी आशीष स्वर्ग से आती है। पढ़िए उस वचन को, याकूब उसका पहला अध्याय का 17 वचन, याकूब की पत्री पहला अध्याय का 17 वचन। बहुत जल्दी जल्दी पढ़िए, हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहां से है? शैतान से है, बैंक से है, ऑफिस से है, आपके दोस्त से है। अरे फिर क्यों शैतान आपको लालच दे रहा है? हर एक उत्तम दान, हर एक अनुग्रह कहां से है? अच्छी पत्नी मिलेगी तो कहां से है? हाँ, खिड़की में मत बैठो उसके पास देखते हुए, वो वहां से नहीं आएगी, ऊपर से आएगी, और अगर खिड़की से आएगी ना तो हालत खराब कर देगी, यस, बहुत हालत खराब कर देगी। अगर आपको यकीन ना तो किसी को पूछो जो अनुभवी लोग, हालत खराब कर देते। हर एक उत्तम दान स्वर्ग से आता है,
मेरी आंखें प्रभु तब तक तेरे पर लगी रहेगी जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। हालेलुया। किसी की और अपनी मन ना लगाए, यहाँ जाना है हमको। हमसे हमारी सारी आशीषें कहां से आती है? ये आप मन माइंडसेट बना लीजिए। आप कृपा करके हर एक जन, हर एक विश्वासी ये माइंडसेट बना लीजिए कि हमारी हर एक आशीष वर से आएगी, स्वर से आएगी। जब तक आप ये माइंडसेट नहीं बनाएंगे तब तक आपका मन आपको लालची बनाता रहेगा, इधर उधर भटकाने वाला शैतान आपको बनाएगा। मेरे हर एक आशीष स्वर्ग से आएगी, ऊपर से आएगी। हालेलुया। शैतान मुझे कुछ भी नहीं दे सकता। शैतान मुझे लालची बनाएगा और मुझे जो है ऐसे टुकड़े फेंकेगा, राजा आजा 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 गड्ढे में फेंकेगा। ये शैतान का काम। मेरी आशीष तो स्वर्ग से आएगी। अगर मुझे आशीष मिलेगी तो प्रभु तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से मैं तृप्त हो जाऊंगा। थर्सडे प्रेयर में आऊंगा, शनिवार की प्रेयर में आऊंगा, रविवार की प्रेयर में आऊंगा, क्योंकि मेरी सारी आशीष है ऊपर से आती है। फिर जो है बहुत सारे ऐसे मन है। हालेलुया। लेकिन जो है मैंने सारे पंप बता दिए और उसको डिफ्यूज फ्यूज करने के लिए बता दिया। धन्यवादी मन, भजन संहिता 103 का 1। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य। ये धन्यवादी मन, भजन संहिता 4 का 7। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया। अरे वाह वाह, सुंदर वचन प्रोफेसर विनोद। क्या क्या? तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया, उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको आईफोन और टीवी से मिलने के बाद मिलता है। आज की भाषा में तो यही बोलना चाहिए हमने। हे प्रभु, तूने मुझे उनसे कहीं अधिक आनंद से भर दिया है जो लोगों को आईफोन और टीवी मिलने के बाद मिलता है। अरे कोई आमीन करने के लिए तैयार है? सच्चे दिल से कह रहे हो क्या? तो फिर से गा पढ़िए वचन, सुंदर वचन है। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको आनंद अन्न और दाख लता की जो है बढ़ती से होता है। वो पैसा से मिलता है उससे अधिक आनंद, उससे अधिक आनंद। कौन देने वाला है? आनंदी मन कौन बनाएगा? बस हमारा मन ऊपर की ओर लगा है। जो भी आशीष आएगी कहां से आएगी? बस। फिर कलुसियों 1:27, पहला करंथियों 3:16, पहला करंथियों 6:19 इसमें लिखा है कि यीशु मसीह हमारे अंदर, मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, ये सब बातें दिखती है। और इसलिए हमें जब प्रभु आता है, प्रभु के भवन में हम आता है तो प्रभु के भवन में आनंद की भरपूरी है। प्रभु हमें अपने आशीषों से भर देता है और बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए शैतान हमें धोखा देने ना पाए। हमारा मन ठीक नहीं है तो आज यीशु का लहू को पुकारे और यीशु का लहू हमें अपने सारे पापों से शुद्ध करता है। और आपके मन में वो वचन विचार आने ना दे कि प्रभु ये क्या है, मेरे मन में ऐसे क्यों विचार आते हैं। हाँ, तो इसलिए हम अपने ख्यालों के पुलाव में, ख्यालों का पुलाव, वो ख्यालों का पुलाव में जो है ज्यादा मत खाओ। इतना खाओगे ना तो वो ठीक नहीं है, मन के लिए ठीक नहीं है। और प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हमारे सब विचार प्रभु के साथ। पहला कुरंतियों 4:5 पढ़िए आखिरी वचन। पहला कुरंतियों 4:5 जोर से। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। जी, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हाँ। और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। परमेश्वर की ओर से हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा। समय से पहले किसी का न्याय मत करो, अपना मन साफ रखो। ये मन में जो शैतान ने जो बम गाड़े रखे हैं, वो कहीं फ्यूज जो है कहीं फट ना जाए। और पाप की मजदूरी तो मौत है। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करे। साथ मेरे पीछे प्रार्थना करे। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन में बुरे विचार आने ना पाए, मन में कड़वी जड़ फूटने ना पाए।
ऐसी कोई भी चीज जो मेरे मन में है प्रभु, मैं दूर करने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया है, अपने पति या पत्नी को, या हमारे सास ससुर को, बहू को, बेटे को, किसको माफ अगर नहीं किया है, वहां स्वर्ग में जाने का मौका है। मैं सबको माफ करता हूँ, मेरा मन साफ रहे और प्रभु मैं सबको माफी मांगने वाला बनूं। हे प्रभु, हमारा मन कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, आज सुंदर वचन तूने हमें दिया, ये वचन के अनुसार चलने वाले हम बने, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर बिना आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, हम सबके मनों के साथ, हम सबके शरीर आत्मा के साथ और कलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक बनी रहे। आमेन आमेन।